अगर आपके पास धनी कैश है, वो धनी कैश को आप कैसे यूज करेंगे, या जो धनी कैश है वो धनी कैश को जनरल कैश में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, इसी रिलेटेड वीडियो है। आप अभी सबके दिमाग में यही टेंशन है कि जो भी धनी कैश है आपको मिला है वो जनरल कैश में कैसे ट्रांसफर करें। मैं हूं प्रशांत, मेरा चैनल यूनिक अड्डा में आपको स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं ऑन द स्क्रीन आके वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन से मैं स्क्रीन पे आकर वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो चलो अभी एक डेढ़ महीने बाद आपके लिए फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ जो ऑन द स्क्रीन आके। आज हम बात करेंगे धनी आपके बारे में। अगर आपके पास धनी कैश है उसको आप कैसे जनरल कैश में कन्वर्ट करेंगे, या जो धनी कैश है आपके किससे उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका आपका अभी भी धनी आप में अकाउंट नहीं बनाना है बनाए तो आप कैसे एक धनी आप में कैसे अकाउंट बनाएंगे, तो अब मेरा चैनल में वीडियो है और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि धनी ऐप में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है या कैसे धनी ऐप में एक अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या आप एक से ज़्यादा धनी ऐप में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं बताया हूँ, बिना डॉक्यूमेंट में कैसे धनी ऐप में एक रजिस्ट्रेशन करना है, या बिना डॉक्यूमेंट में कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा कैसे आप धनी ऐप में एक अकाउंट बनाएं, उसका वीडियो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि धनी ऐप में अकाउंट कैसे बनाना है और बिना डॉक्यूमेंट में अकाउंट कैसे बनाना है। धनी ऐप को पूरा कैसे यूज करना है उसके बारे में वीडियो है, आप जाकर मेरे चैनल में सब कुछ धनी ऐप का सारे कुछ वीडियो देख सकते हैं। मगर आज हम ये बात करेंगे कि अगर आपके पास धनी कैश है, जो भी आप धनी आप अगर आप धनी ऐप में रजिस्ट्रेशन किए या कोई रेफर से अर्न किए हैं या कोई आर्ड मनी से अर्न किए या कोई गेम खेल के भी अर्न किए हैं, तो जो भी धनी कैश मिला है तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे धनी ऐप में जो भी कैश मिलता है दो टाइप के कैश मिलते हैं, एक तो धनी कैश जो आप उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, और एक जनरल बैलेंस को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपने बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मगर जो धनी कैश है वो बहुत बहुत ही शिद्दत वाला है जी, काफ़ी बहुत सारा फ्रेंड जो भी धनी ऐप में अकाउंट खोले उनका काफ़ी ज़्यादा धनी कैश पड़ा है, अभी भी उनके अकाउंट में वो यूज नहीं कर पा रहे और वो ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे धनी आपको धनी ऐप में जो धनी कैश यूज करें। दरअसल मैं उसका तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप धनी कैश यूज कर सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब में आप वीडियो देखे हैं कि उसमें आपको बताते हैं कि धनी ऐप जो भी धनी कैश है उसे जनरल बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या धनी कैश में जो भी धनी कैश है उसको आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी जनरल बैलेंस है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, या मोबाइल रिचार्ज हो या बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर जो धनी कैश है उसको यूज करना इतना आसान नहीं है। उसका यूज करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं आपको आज वो टर्म एंड कंडीशन पूरा अभी दिखाने वाला हूँ, जाकर स्क्रीन पे अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि धनी कैश को कैसे यूज करते हैं। मैं अपना धनी का जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर चुका हूँ, अभी चलता हूँ मनी में। यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा कि अभी मनी पे आ चुका हूँ तो वॉलेट में चलते हैं। वॉलेट चलने के बाद अभी आपको दो तरह का कैश दिखेगा, एक है जो धनी कैश, एक है जनरल बैलेंस। अभी देखिए आगे, अभी जो जनरल बैलेंस है 70 रुपये और धनी कैश है 53 रुपीज। यहाँ पर धनी कैश में लॉक का सिंबल इसलिए कि वो आपको आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, और जनरल बैलेंस जो 70 रुपये चाहे आप उस आपको कोई भी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। अभी दरअसल अभी ये सवाल है कि आप जो धनी कैश है उसको आप यूज कैसे करें, जब भी आप गेम से अर्निंग करते हैं या कहीं रेफर से अर्निंग करते हैं तो धनी कैश बहुत ज़्यादा आता है, तो अब धनी कैश का यूज़ कैसे करना है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे धनी कैश को आप यूज़ कैसे करें। अभी अभी पूरा आ गया है कि सर टर्म एंड कंडीशन क्या है धनी ऐप का जो भी धनी कैश यूज करने के लिए। यहाँ पर लिखा है पेमेंट फॉर ईएमआई, यूज धनी कैश टू गेट 10% कैश बैक ऑन ईएमआई एवरी मंथ। अगर आपका धनी से आप लोन लिए, आपको ये पता है कि धनी लोन देता है लोगों को, अगर आप धनी से लोन लिए हैं तो जो भी मंथली आपको ईएमआई चार्जेस है उसका 10% आप धनी कैश यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपका 1000 का ईएमआई है तो आप 100 रुपये धनी कैश यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जो भी धनी डॉक्टर, अगर आप रिन्यूअल ऑफ धनी डॉक्टर सब्सक्राइबर, अगर आप ये भी पता है कि धनी आप डॉक्टरों से मीट कराता है, आपको पहले उनको उनका धनी आप में डॉक्टरों को बुक करना पड़ेगा तो उसमें भी आपको 20% तक कैशबैक मिलेगा। और उसके बाद जो रिन्यूअल सुपर सेवर कार्ड है, आपको पता है कि सुपर सेवर कार्ड अभी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, पहले जो सुपर सेवर कार्ड का जो अमाउंट पड़ता था 125 रुपये अभी फ्री है, मगर जो भी मंथली उसका जो चार्जेस है उस चार्जेस का 10% आप धनी कैश यूज कर सकते हैं।
उसका जो धोनी स्टॉक्स अकाउंट है, अगर आप स्टॉक धोनी में स्टॉक अकाउंट है आपका, जो स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर स्टॉक अकाउंट है और आपको जो भी आप उसमें स्टॉक अकाउंट में रिन्यूअल करेंगे मंथली, जो मंथली मंथली रिन्यूअल में 20% तक क्या यूज कर सकते हैं। और अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर आपको इंश्योरेंस है धनिया पे, तो उसमें 20% तक यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर यह भी लिखा है कि यूज रियल कैश डेली फॉर एनी पेमेंट, यूज 100% योर रियल कैश अर्निंग फॉर योर एनी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि आप रियल कैश को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, मगर धनी कैश को यूज करने के लिए इतना कुछ ट्रॉमन कंडीशन है, तो आप ये समझ लीजिए धनी कैश को यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको समझ आ गया होगा कि धनी कैश कैसे यूज करने हैं। बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कि आपको धनी कैश को जनरल का बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, या धनी कैश को कैसे अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना है, मगर धनी आप अपने खुद अपने आप में ही टर्म एंड कंडीशन रखा है कि आप उसको कहीं पे यूज नहीं कर सकते। बस जो टर्म एंड कंडीशन धनी कैश आपका है उसमें आप धनी कैश को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप उनसे लोन लेना पड़ेगा, और लोन ले गए तो उनका जो लोन ईएमआई आप पेमेंट करेंगे उनका 10% धनी कैश से यूज करना पड़ेगा। मगर अगर आप रेफर से या गेम खेल के जो जनरल बैलेंस यूज किए हैं वो जनरल बैलेंस को अर्न किए हैं, आप जनरल बैलेंस को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका धनी क्या से धनी आप में जनरल बैलेंस है, तो आप वो जनरल बैलेंस को कैसे अपना मोबाइल रिचार्ज में यूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।